टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके बनाने की विधि क्या होती है, आज हम टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टेंस जो होता है ये इंग्लिश का शब्द होता है और टेंस को हिंदी में कहते हैं कार। ठीक है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक जानते हैं आप। पहला है नंबर एक प्रेजेंट टेंस, हिंदी में कहते हैं इसे वर्तमान काल। दूसरा नंबर है पास्ट टेंस, हिंदी में कहते हैं इसको भूतकाल। ठीक है, तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस हिंदी में कहते हैं इसे भविष्य काल। ठीक है, तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पहले हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में कैसे कैसे बनाया जाता है, इसकी पहचान क्या है, कैसे करते हैं, इसको आज हम जानते हैं। चलिए आज जानते हैं इस प्रेजेंट टेंस को। देखिए प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के चार चार भाग होते हैं। पहले उन्हें जान लेते हैं, प्रेजेंट टेंस के चार भागों को जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, बाद पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रेजेंट टेंस है, इसके चार भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के होते हैं और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के होते हैं। जानते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, इसकी पहचान क्या होती है, इसे बनाया कैसे जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की पहचान कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो है पहचान कैसे की जाती है, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और इसे बनाते कैसे हैं। पहले इसकी पहचान लिख लेते हैं। चलिए पहचान लिखते हैं। देखिए हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में का है, की है, का है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं।
आखिरी, ठीक है, इससे हम पहचान करेंगे प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट डायरेक्ट टेंस की, वाक्य बनाते समय किस प्रकार से हम जो है टेंस की पहचान करेंगे, इससे तो बनाते हैं। चलिए आज बनाते हैं, पहला सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे पहले इसका जो है रूल्स लिख लेंगे थोड़े से, किस प्रकार से रूल्स के अनुसार हम बनाएंगे इसको, ये रूल्स के अनुसार कैसे बनाते हैं इसको, पहले इसका रूल्स लिख लेते हैं एक बार। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म में, यदि हमारा सब्जेक्ट एकवचन है तो क्रिया में एस या एस लगा देते हैं, एस या एस लगा देते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा रूट हो गया। इसके बाद बनाने की जो हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है वाक्य। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, वह स्कूल जाता है, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाते हैं, इसमें जो है आपको पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। देखिए ये सब्जेक्ट है हमारा ही को हम लिख लेंगे, वह हमारा सब्जेक्ट है, वह की स्पेलिंग जो होती ही होती है, ठीक है, पहले इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे। इसके बाद रूल्स के अनुसार चलेंगे, क्रिया देखेंगे हमारी एक वचन है या बहुवचन है, कर्ता पद देखेंगे, कर्ता एक वचन है, ठीक है, तो एक वचन है तो हमने क्या लिखा है, एस या एस लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारी क्रिया क्या है, वो है, यानी कि स्पेलिंग क्या होती है, वो होती है, इसमें ई एस और जोड़ देंगे तो बोझ हो जाएगा। इसके बाद स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है तो गो टू स्कूल हो गया। देखिए कितनी सिंपल तरीके से जो हम सेंटेंस को बना लेते हैं, ठीक है, ये टेंथ क्लास का जो है चैप्टर है, पहले हमें जो है सेंटेंस सीखने पड़ेंगे, इसके बाद हम उसकी ग्रामर जो अलग पार्ट्स है वो भी हम जो है पढ़ेंगे आगे वो, लेकिन इससे पहले हमें सेंटेंस आने चाहिए, और सेंटेंस आएंगे तो हम आगे वो उसे सीख पाएंगे, ग्रामर को सीख पाएंगे, ठीक है, इसके जो अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और जैसे ही हम कहीं आते हैं सेंटेंस तो आगे वो हम ग्रामर हम आसान हो जाएगी और हम उसे सीखने लगेंगे। थैंक यू। भाई छोड़ के चले गए।